मजा आ रहा है, आप लोग इधर आइए। मजा तो आ रहा है लेकिन पूरा पसीना निकल गया, जितना भी सुबह से पानी पिया था पूरा पानी निकल गया। हेलो गाइस, दिस इज आरआर एंड यू आर वाचिंग आरआर ब्लॉग्स। तो चलिए बिना बकबक किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज के वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना अंत तक। आज हम जा रहे हैं तेजपुर कोल पार्क, जो कि यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर है और शायद वहां पर पहुंचने के लिए हमें एक घंटा लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना आप लोग। मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और अब से मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते में एक वीडियो बना सकूं। फिलहाल मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं कैमरा ले सकूं। पहले मुझे बहुत दिक्कत आती थी वीडियो बनाने में, और अगर आप भी सोच रहे हो कि वीडियो ब्लॉग बनाओगे और आपके पास पैसा नहीं है कैमरा खरीदने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल से भी काम चल जाएगा आपके पास अगर हेलमेट हो तो। कि मैंने एक सस्ता जुगाड़ लगा लिया है, अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो जुगाड़ क्या है तो मैं इसका एक अलग ही वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से जाके देख लेना। फिलहाल हम तेजपुर ब्रिज पे आके पहुँच गए हैं, सामने ही ब्रिज है, और ये ब्रिज लगभग अब 3015 मीटर लंबा है और इसको पार करने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं वीडियो को काट कर दूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हम फाइनली पार्क के अंदर आ गए हैं और थोड़ा अंदर चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का नजारा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है, तो हम अभी फिलहाल बोट की सवारी करेंगे। ये भाई भी आ गया।
इस पार्क का रियल नाम है चित्रलेखा उद्यान और इस पार्क को पहली बार बनाया था 1906 में असम कमिश्नर मिस्टर कोल ने और तब से इस पार्क का निकनेम पड़ा है कोल पार्क। और ये पार्क तेजपुर सिटी का सबसे बड़ा पार्क है और मेन सिटी से ये पार्क लगभग 5.5 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है। इस पार्क का एंट्री फीस है 30 रुपीस और ये पार्क सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोट चलाने के लिए पार बोट की प्राइस 50 रुपीस देना पड़ता है। तो हमें फिलहाल 2 बोट चाहिए तो चलिए बोट ले लेते हैं। यहाँ से बोट लेंगे और सीधा निकल लेंगे पतली गली से। चलिए पहले बोट ले लेते हैं। फिलहाल तो कोई बोट नहीं दिख रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अभी हम एक बोट रेस खेलेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं। देखते पहले वहाँ पर कौन पहुँचता है। तो नो बाबा घुरा बोले नहीं थे बहुत अच्छी तरह रख रही है बोले हमारा अरे ये सही है गाइस बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी कभी इधर आइएगा। मजा तो आ रहा है लेकिन पूरा पसीना निकल गया। जितना भी सुबह से पानी पिया था पूरा पानी निकल गया। गाइस आज बहुत घूम लिया। यहाँ पर धूप भी बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा टाइम रुक नहीं पाया। तो गाइस ये है गेम हाउस। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है इसके अंदर। हम सभी अभी हथौड़ा वाला गेम ट्राई करेंगे। देखते हैं कौन कितना स्कोर बना पाता है। तो हमारा राजीव भाई अभी ये हथौड़ा वाला ट्राई करने वाला है तो चलिए देखते हैं उसका स्कोर कितना होता है। तो चलो भाई स्टार्ट करो। ओ भाई हमारा मारा 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 हाँ सवार हम लोग छोटे थे तब ये खेलते थे। चल 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 इधर चल हाँ गाइस आज बहुत घूम लिया तो अभी घर की तरफ चलेंगे। तो हम सब यहाँ पर रुके हैं थंबनेल लेने के लिए यहाँ पर है सब। तो गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना।
अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।